ये शेडी है ना? हाँ हाँ शेडी है ये। शादी हो चुकी है ना? नहीं रे भग पागल है क्या? हाँ शादी हो चुकी है। अबे सिर्फ एंगेजमेंट हुई है। नहीं पापा शादी हो चुकी है, एक बेबी है। नहीं रे पागल है क्या? हाँ बेबी है, शादी भी हो चुकी है, बेबी भी है। नहीं रे उसके दोस्त की बेटी रहेगी वो। अरे ये मुसियो शेडी है ना? अरे लोग की शादी हो चुकी है। अरे हाँ पापा इन लोग की शादी हो चुकी है। नहीं पापा खाली रिलेशन में ही है। अरे इन लोग की एक बेटी भी है, मैंने देखा है वीडियोस में। हम लोग कहीं पर भी जाते हैं उनको सबसे पहले लोगों का दो ही क्वेश्चन रहता है, सबसे पहले शादी हो गई है। हाँ, और सेकंड क्वेश्चन लोगों का ये रहता है कि जो आपके साथ वीडियोस में बच्ची है वो आपकी बेटी है या कौन है मेरे। तो बस आप लोगों का इंतजार दूर हो गया है, अब वीडियो आ चुकी फाइनली। सो बता दे क्या एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मुस्ती शेडी वर्ल्ड। सो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हमारी शादी हो गई है या हमारी एंगेजमेंट हुई है कि ये हमारी बेटी है, ये सब कंफ्यूजन दूर होने वाला है। बहुत टाइम से हम लोग आप लोगों को बोल रहे थे कि हम लोग का रिवील वीडियो आएगा 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 आएगा, बट वो आया ही नहीं क्योंकि ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं रिवील वीडियो पे डालते डालते। तो आज फाइनली ये वीडियो में रिवील होने वाला है, तो प्लीज बिना स्किप किए पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर एक 10 सेकंड का भी आपने स्किप किए तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे, तो प्लीज पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखो बिना स्किप किए। तो गाइस आज हम लोग ये रिवील करने वाले हैं कि हम लोग मैरिड है कि नहीं है। सब लोग हम लोग कहीं पर भी जाते हैं उनको सबसे पहले लोगों का दो ही क्वेश्चन रहता है, सबसे पहले शादी हो गई है। हाँ, और सेकंड क्वेश्चन लोगों का ये रहता है कि जो आपके साथ वीडियोस में बच्ची है वो आपकी बेटी है या कौन है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं, हम लोग कहीं पर भी जाते हैं वीडियो डालते हैं फिलहाल कमेंट्स में भी, तो कमेंट्स में तो एकदम वो चैटिंग बॉक्स बन जाता है एकदम। उसमें मतलब पब्लिक एक अगर क्वेश्चन पूछे ना कि यार इनकी शादी हो गई है, तो दूसरा पूछता है हाँ शायद हो गई, तीसरा पूछता नहीं होगी है, अरे नहीं उन्होंने एंगेज्ड है, ऐसा करके पूरे कमेंट्स मेरे पड़ जाते। तो बस आप लोगों का इंतजार दूर हो गया है, अब वीडियो आ चुकी फाइनली। सो बता दे क्या इतना मत तड़पाएंगे अपन, बता देंगे चलो। सो यस गाइस वी आर मैरिड एंड ये जो बच्ची है प्यारी सी क्यूट सी, यस ये हम लोगों की ही बेटी है और इसका नाम है आयत। और ये खुद बताएगी आप लोगों को ये हम लोग की बेटी है कि नहीं। आयत मैं कौन हूँ? और ये दादा अपनी दादा कौन है? दादा। और ये कौन है? अच्छा मैं तेरी मम्मा हूँ ना। हाँ। और तू मेरी बेटी है ना? नहीं। तो तू बेटी है? मैं बेटी नहीं हूँ, तू मेरी बेटी है। तू बेटी है? नहीं मैं तेरी मम्मा हूँ। तू मम्मा है? यस मैं मम्मा हूँ, मेरी बेटी है। तू आयु का दादा के दादा आयु के? मैं तेरा डैडा हूँ ना, तो तू मेरी डैडा है। हाय मेरे मम्मा डैडा है और मैं आयु हूँ। सो गाइस ये जो आयत है हमारी प्यारी सी बेटी, ये अभी इसको भागने का। तेरे शूज कहाँ है? शूज को शूज तेरे बाहर है, ये देख मेरे पास क्या है, देख नहीं चाहिए। पहली बच्ची जो इसको मना कर रही है वो ना मेरे बचपन में तो बहुत तरसता था मैं इसके लिए। शूज चाहिए ना आप इन आदमी डॉल चाहिए ना डॉल, आपको डैडा डॉल आपको दिला गया। पहले बोलो हाय गाइस, पहले बोलो हाय गाइस। हाँ ठीक है जाओ दीदी देंगे जा। तो गाइस आयत जो है अभी 2.8 इयर्स की है, मई में इसका बर्थडे है, मई में ये पूरी 3 इयर्स की हो जाएगी एंड फाइनली ये स्कूलिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी जून से। खुल दिया मैंने गलती से ये, तो क्या हो गया?
तो वही मैं बोल रही थी कि अभी हमारी जो आयत है 2.8 इयर्स की है एंड 16th मई को इसका थर्ड बर्थडे है, 3 साल की ये कंप्लीट हो जाएगी एंड इसका स्कूलिंग भी स्टार्ट हो जाएगा जून से इसका एडमिशन भी अभी हो गया है। कल हमें जाना है इसका प्रॉपर मतलब सबमिशन करने के लिए, फिर इसका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा वहाँ से। तो बस फिलहाल ये गाइस ये छोटा सा वीडियो था, रिवील वीडियो, बट इसको बनाने के लिए मुझे 3 साल लग गए। कितने 3 साल सॉरी बोलना चाहूंगा वो सब लोगों को जो बहुत सारे लोग कमेंट्स करते थे इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे इसी चीज के बारे में कि आप क्यों बेटी क्या मैरिड हो, और मुझे पर्सनली इतने सारे DMs आए पर मैं क्या बोलूं, मैं सिर्फ सॉरी बोल सकता हूँ। सो सॉरी क्योंकि मैंने हम लोगों ने आपको बहुत वेट कराया इस रिवील वीडियो के लिए। बहुत सारे लोगों को मतलब ऐसे पता चल चुका था ऑलरेडी कि हम लोग मैरिड हैं, हम जो बच्चे हैं, फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन था कब हुआ कभी क्या कंफर्म नहीं था इनकी बेटी है ही है या नहीं है, नहीं किसी और की शायद इनकी भांजी। तो अभी हाँ कंफर्म हो चुका है लगता था। और हम ये चाहेंगे कि जैसे कि आपको पता चल गया कि हम मैरिड है और ये हमारी बेटी है, तो आप भी ये वीडियो को शेयर करो जिससे जो लोगों को अभी तक पता नहीं चला है वो लोगों को भी पता चल जाए कि हम लोग मैरिड है हमारी बेटी है। तो आप लोगों के जो क्वेश्चन थे डाउट्स थे वो सब कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब उसके आंसर आप लोगों को मिल चुके हैं। तो अब इसके बाद आपको जो कुछ भी क्वेश्चन रहेगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, हम उसके आंसर भी हमारे नेक्स्ट व्लॉग में देंगे। सो अभी ये व्लॉगिंग कंटिन्यू रहेगी, अभी आयत के साथ व्लॉग भी हम डालने वाले बहुत सारे धमाका होने वाला है, सब हम लोग आयत के साथ भी बनाएंगे। बहुत ही ज्यादा मस्ती करती है, एक जगह तो कभी बैठती नहीं है। आप लोगों के क्वेश्चन गाइस, ये जो हमारा रिवील वीडियो देखे आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आए रहेंगे कि जब हम लोग बाहर जाते हैं वीडियोस वगैरह बनाने जाते हैं तो आयत किसके पास रहती है। तो गाइस आयत जो है अपनी दादी के पास रहती है, उन्हीं के पास रहती है पूरा दिन। हम लोग बाहर शूट वगैरह के लिए जाते हैं या कुछ भी काम से जाते हैं तो हम लोग आयत को नहीं लेके जा सकते क्योंकि ये अभी बहुत छोटी है और बहुत सताती भी है, लाइक मतलब वो यहाँ से वो भागती रहती है जो कि हमें डर लगता है कि मतलब हम लोग वीडियो बनाने में बिजी रहते हैं, वो भागे नहीं, मुझे छोड़ो ऐसी करती रहती है। तो हम लोग इसको कहीं पर भी बाहर लेके नहीं जा सकते। कभी कभी हम लोग वीडियोस बनाने जाते तो ऐसी जगह पे जाते कि मतलब ज्यादा ट्रैफिक ना हो, गाड़ियां चलती ना हो, कुछ देखती नहीं, सीधा चल पड़ती है रोड पे ही सीधा, कुछ नहीं देखती आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं। तो ये अभी फिलहाल वो छोटी है इसके लिए हम लोग इसको कहीं पर लेके नहीं जाते हैं। तो गाइज मैंने बहुत सारे कमेंट ऐसे भी पढ़ी हूँ कि आयत के साथ वाले वीडियोस में आप आयत को देख के बोलते कि ये कितनी शांत है, तो मैं आपको बता दूँ ये बिल्कुल भी शांत नहीं है, ये एक मिनट शांत है, क्यूट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्यूट है, दिखती भी शांत है लेकिन दिखती शांत है। कमेंट में जरूर बताना कि ये किसकी तरह दिखती है, मेरी तरह या शादब की तरह, क्योंकि ज्यादा लोग यही बोलते हैं कि शादब की तरह दिखती है। तो आप लोग भी हमें जरूर बताइएगा कि ये किसकी तरह दिखती है, मेरी तरह दिखती है या शादब की। पानी चाहिए, मानी चाहिए, चलो पानी जल्दी आओ। ये भी आए थे, वो भी आए थे, दोनों आए थे, दोनों बहुत मस्ती करते। आयु तू बहुत मस्ती करता है ना। ये कौन है आयत, ये भी आए थे। हाँ। दीदी है वो, दीदी है। हाँ दीदी है। आयत आज आपका क्या था, बर्थडे था? हाँ, मैं शूट पे लेके गए थे तो बोल रही थी सबको कि आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा बर्थडे है। इसका हफ्ते में बर्थडे बनाती हो, आयत की जो इंस्टा आईडी है वो बहुत सारे लोगों को पता है एंड कुछ लोगों को नहीं पता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आयत की इंस्टा आईडी क्या है। आयत की जो इंस्टा आईडी है वो है लिटिल बेबी गर्ल 16। आप हमारी आईडीज में जाके देख सकते हो, अगर आपको नहीं मिलता है तो जाइए जाके आयत की आईडी को तो फॉलो कीजिए। अगर आपको सब चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको सब मिल जाएगा, आयत की आईडी भी एंड आयत के भी 4000 फॉलोवर कुछ कंप्लीट होने वाले है, तो जल्दी से जाके इसके भी 10K कर दीजिए। सो आप लोग बहुत बोल रहे थे ना कि रिवील वीडियो डालो, हमें बताओ कि वह कब आएगी, रिवील वीडियो डालो। तो फाइनली गाइस अभी आ चुका है, तो अभी आपको सिर्फ ये करना है, आपको इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि मैं ये समझूं कि मैंने रिवील वीडियो डाला तो मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया। आप ये दिखाओ कि लोग हमें कितना पसंद करते हैं। प्लीज आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, मेरा टारगेट है ये वीडियो पे 100K व्यूज जाना। हमें आप पे पूरा भरोसा है कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करोगे कि इस पे 100K व्यूज चले जाए। तो प्लीज डू शेयर, हर जगह शेयर करो और लाइक और कमेंट जरूर करना।
आगे भी इससे अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट ब्लॉग भी आपके लिए सरप्राइजिंग होगा। अब से ये नहीं होगा कि आएगा बोलूंगा तो आ रहा नहीं है। अभी अगर मैं बोलूंगा ये दिन को आ रहा है तो ये दिन को। अरे तब क्या खा रहे हो? हाँ ये क्या है? और इस वीडियो का सेकेंड पार्ट भी आने वाला है जो कि ये वीक या नेक्स्ट वीक के अंदर आ जाएगा ये वीडियो अपलोड होने के बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट टू में हम क्या बताएंगे आपको बता देता हूँ। अभी पार्ट टू में हम बताएंगे कि हमारी शादी कब हुई और हमने इतना रिवील वीडियो डालने के लिए इतना टाइम क्यों कर दिया, मतलब हम लोगों ने रिवील करने के लिए इतना टाइम क्यों कर दिया, लाइक हमारी शादी कब हुई, आयत कब हुई, कैसे हुई, हम कहाँ मिले, ये सब बताने के हमें इतना टाइम क्यों लिया। तो ये सब आपको सेकेंड पार्ट में बताया जाएगा, है ना आयु? बोलो सेकेंड पार्ट। क्या कर रही है? बोलो सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम लोग बताएंगे बुड़ू। ओ ये वीडियो में इतना ही था। अभी नेक्स्ट पार्ट प्लीज जरूर देखना और इस वीडियो को इतना प्यार दो कि हम समझ जाए कि गाइस आप लोग हमें यूट्यूब पे देखना चाहते हो। अगर इस वीडियो में 100 चले गए ना गाइस, आई एम श्योर आपको एक हफ्ते में 3 व्लॉग देखने मिलेंगे हमारे, वो भी एक से एक, नॉर्मल व्लॉग नहीं। हम जितना कोशिश करेंगे, जितना मतलब कर सकते हैं आप लोग भी करेंगे हर चीजें कैमरे में। ये क्या कर रही है? इनकी उल्टा खेल रही है। ये जंगल का जानवर है मेरा। मस्ती करती है बहुत। गाइस हम लोग ने आपके जो डाउट्स थे, क्वेश्चंस थे, उसका हम लोग ने अभी आपको फाइनली आंसर दे दिए है कि ये हम लोग मैरिड है एंड ये जो बच्चे ये हमारी बेटी है। तो और भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आप लोगों के माइंड में क्वेश्चंस होंगे, कैसा हुआ, आप लोगों ने तो बताया कि नहीं, जो भी है आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप हमें कमेंट में जरूर पिन कीजिएगा। इसके जो सेकंड पार्ट आने वाला है व्लॉग का, उसमें हम आपके सारे क्वेश्चंस रीड करके हम ऑन द स्पॉट आपको आंसर देंगे। ये फर्स्ट पार्ट कितना प्यार दो कि हमें सेकंड व्लॉग भी नेक्स्ट वीक को ही बनाना पड़ेगा। तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। बोलो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये ऐसा करो, सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल प्लीज। थैंक यू, बाय।